लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो यूपी डीजीपी चयन मामला का है, डीजीपी पद के लिए फिर से भेजना होगा नामों की लिस्ट। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, डीजीपी मामला से जुड़ा हुआ है, जहां डीजीपी पद के लिए फिर से भेजना होगा नामों की लिस्ट। सूत्रों के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, यूपी सरकार भेजेगी संघ सेवा आयोग को लिस्ट। वरिष्ठ आईपीएस जेले त्रिपाठी ने सरकार पर लगाया था आरोप, वरिष्ठम अधिकारी की लिस्ट नहीं भेजने का लगाया था आरोप, और एक बार फिर से अब लिस्ट भेजनी होगी। त्रिपाठी ने कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा इस मामले पर, और अब सरकार अब 17 नाम की सूची भेजेगी संघ सेवा आयोग को। तो यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से गगन मिश्रा फोन लाइन पे बने हुए हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे, फिर से लिस्ट भेजनी होगी, तो आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए पूजा, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले 7 नामों की लिस्ट सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजी थी, उसके खिलाफ जेएल त्रिपाठी जो 1986 बैच के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि मोस्ट जितने भी आईपीएस अधिकारी होंगे यानी वरिष्ठम अधिकारियों की लिस्ट सौंपी जाएगी, बल्कि उनका आरोप था कि उन्होंने कई उनसे जूनियर अधिकारियों के नाम भेज दिए हैं। इसी के चलते सरकार ने एक बार फिर से 17 नामों की लिस्ट सौंपी है, जिसमें जेएल त्रिपाठी का नाम ऐड किया गया है, क्योंकि आज सुनवाई भी है इसको लेकर। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से तेजी ला रही थी सरकार, वो थोड़ी सी सुस्त पड़ेगी, क्योंकि आज नाम भेजे गए हैं, समय लगेगा, क्योंकि अब 5-6 दिन बचे हैं जो डीजीपी को रिटायर होने में, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है नया डीजीपी मिलने में। ये जरूर है कि सरकार बैकफुट पे आई है, सरकार फिर से नए नामों की लिस्ट भेजी है, क्योंकि जेएल त्रिपाठी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे। उसी के चलते अब जितने भी बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसमें एपी यूनिवर्सिटी से लेकर 1989 बैच के इतने अधिकारी, तब उनके नाम भेजे हैं। जी, तो देखा जाए कि वरिष्ठम अधिकारियों को लेकर ये कार्रवाई की गई है, इसमें कोई बड़े पदाधिकारियों का कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए फिलहाल ये, क्योंकि ये सरकार का आंतरिक मामला होता है, सरकार काफी गोपनीय तरीके से इस लिस्ट को भेजती है संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि डीजीपी का चयन संघ लोक सेवा आयोग के भेजे गए 3 नामों के तहत होगा। तो गोपनीय सूत्र से सूचना आई है कि 17 नामों की सूची भेजी गई, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि 27 अगस्त यानी आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है जेएल त्रिपाठी का, उसमें हाईकोर्ट का स्टैंड क्या होता है, हाईकोर्ट की गाइडलाइंस क्या सरकार के लिए जारी की जाती है, लेकिन उससे पहले ये जरूर है कि सरकार ने कोर्ट के फैसले आने से पहले या कोर्ट की सुनवाई से पहले ही 17 नामों की सूची भेज देगी, जिसमें जेएल त्रिपाठी का भी नाम है, केपी महेश्वरी का भी नाम है, जो डीजीसीआरपीएफ हैं, केन में तैनात हैं, यानी कि केन में तैनात अधिकारियों को भी नाम भेजे गए हैं, जितने मौजूद हैं तैनात अधिकारी उनके भी नाम भेजे गए। जी गगन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।